नमस्कार, मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर बिहार, NIUS के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा में हम DL.ED पाठ्यक्रम के इकाई 502 में वर्णित विषय इकाई व उपलब्धि परीक्षण निर्माण एवं उपयोग पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं नेरी NCERT शिलोंग मेघालय में डीन के पद पर कार्यरत प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय। आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। डॉक्टर राय से हमारी अपेक्षा है कि वे हमें इकाई परीक्षण संबंधित उन बातों को जो हमारे लिए उपयोगी हैं, हम शिक्षिकाओं के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है, विशेष करके जब कक्षा कक्ष में हम अपने अधिगम के परिणाम को जानना चाहते हैं, एक तरह से वह हमारा भी मूल्यांकन है, हम शिक्षक शिक्षिकाओं का भी, जिसका अक्स हम अपने शिक्षार्थियों में देखते हैं। तो सबसे पहले तो सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इकाई एवं शिक्षक निर्मित परीक्षण क्या है। इकाई एवं शिक्षक निर्मित परीक्षण दरअसल हम कक्षा में इस्तेमाल करते हैं, और कक्षा की परीक्षा और आकलन छात्र सीखने में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे कई महत्वपूर्ण शिक्षण परिणामों के प्रासंगिक उपाय भी प्रदान करते हैं और दूसरों के बारे में अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा में हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं, कक्षाओं में कार्य करते हैं, और शिक्षक कई तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, छात्र भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन छात्र कितना सीख पाया और शिक्षक कितना सिखा पाया, इसको जानने के लिए हम एक आकलन करते रहते हैं, और उस आकलन के तरीके में हम देखते हैं कि हम जो पाठ्यपुस्तक में इकाई होती है या उसमें कई पाठ दिए होते हैं, इन इकाई और पाठ के आधार पर शिक्षक अपने पढ़ाए हुए हिस्से के लिए वो एक तरह के प्रश्न का निर्माण करते हैं, जिसे प्रश्नावली करते हैं, और समय समय पर उसका उपयोग करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का के विकास का, अधिगम का, सीखने का आकलन हम लगाते रहते हैं। तो इस तरह के निर्माण में, जो परीक्षणों का निर्माण हम करते हैं, उसमें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि ये परीक्षण जितने ही वैध और विश्वसनीय होंगे, इनका परिणाम मुझे लगता है कि उतना ही बेहतर प्राप्त होगा। तो कुछ ऐसी बातें होंगी जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम इस तरह के परीक्षणों का विकास या निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल, कक्षा परीक्षण और आकलन विभिन्न प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनका निर्देशन प्रक्रिया में उनके स्थान के संदर्भ में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है, जो आकलन के प्रकारों के समान रूप से समानताएँ, ये कई प्रकार की होती है। जैसे पूर्व परीक्षण निर्धारित करने के लिए एक अनुदेशात्मक सेगमेंट, जैसे इकाई या पाठ्यक्रम का जो हिस्सा पढ़ाया गया जा चुका है, कि शुरुआत में टेस्ट और मूल्यांकन दिया जा सकता है। छात्रों को निर्देश के लिए अनिवार्य कौशल तत्परता निर्धारित करने के लिए, या छात्रों को विस्तारित निर्देशित निर्देश देने के लिए, छात्र के स्थान या निर्धारण या निर्देश के संशोधन को निर्धारित करने के लिए, के उद्देश्य को हासिल करने के लिए क्या आवश्यक होगा, इसके लिए हम यह पूर्व परीक्षण करते हैं। दूसरे तरह का परीक्षण हम रेडीनेस के लिए भी करते हैं, और जैसे कि बीजगणित में एक प्री टेस्ट, अंकगणित संचालन और अवधारणाओं तक ही सीमित हो सकता है। प्री टेस्ट भौतिकी या बीजगणित में बुनियादी भौतिक अवधारणाओं या पूर्वव्यापी कौशल शामिल हो सकते,
और मान लीजिए कि कोई जर्मन पढ़ता है या जर्मन शुरू कर रहा है, तो शुरुआत में एक प्री टेस्ट उसकी अंग्रेजी व्याकरण की जानकारी लेने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए सीमित डोमेन तक ही सीमित होने के अलावा पहले से बच्चों की अपेक्षाकृत कम स्तर की कठिनाई तब आगे होती है जी। अनुदेश के दौरान टेस्ट और आकलन प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करते हैं। वे सीखने की प्रगति की निगरानी, सीखने की त्रुटियों का पता लगाने और छात्रों और शिक्षक को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षकों ने आमतौर पर प्रशिक्षण, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विज और यूनिट टेस्ट और वैसे ही अनेक तरीके से सीखने के लिए ये प्रारंभिक परीक्षणों को चुनते हैं। ये परीक्षण और आकलन आमतौर पर शिक्षा के कुछ पूर्व निर्धारित खंड को कवर करते हैं जी। और इस प्रकार सीखने के परिणामों का सीमित नमूना शामिल नहीं करते हैं। परीक्षात्मक वस्तुओं के प्रकार और अधिक जटिल प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यों का मिश्रण देखभाल के साथ चयन किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च प्राथमिक लेकिन संभवतः आकलन करने में मुश्किल है और आकलन में उद्देश्यों का पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है कि नहीं। एंड ऑफ निर्देश परीक्षा, यानी परीक्षा के अंत का में जो हम मूल्यांकन लेते हैं वो अमूमन टीचर मेड टेस्ट होता है, जो शिक्षक बनाते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है। शिक्षा के अंत में हमारा मुख्य हित उद्देश्य उस हद तक मापने में है जिसके उद्देश्य सीखने के उद्देश्य और प्रदर्शन मानकों को हासिल किया गया है। हमें यह पता करते हैं कि कितना सीखना था और बच्चों ने कितना सीखा है जी। यद्यपि इन परीक्षाओं के अंत या आकलन प्राथमिक रूप से समेटिव आकलन इवैल्यूएशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, वे अन्य कागजों की भी सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे हम कई अन्य चीज़ों का भी पता लगा लेते हैं। छात्रों के लिए फीडबैक देने के लिए हम फॉर्मेटिव परीक्षा का इस्तेमाल करते हैं। छात्रों को अधिक चुनौतीपूर्ण उन्नत वाला काम करने, उपचारात्मक कार्य सौंपने और निर्देश का आकलन करने के साथ ही ग्रेडिंग के उद्देश्य के लिए भी हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के तहत उन्हें तैयार करते हैं। वास्तव में वे दोनों प्रारंभिक और समेटिव इवैल्यूएशन के कार्य की ही पूर्ति करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से एक अलग तरह की सेवा करते हैं। अब बनाते कैसे हैं जी, आप ये जानना चाहेंगे कि प्रश्न पत्रों का निर्माण कैसे हो। प्रश्न पत्रों का निर्माण करने के लिए एक ब्लूप्रिंट की सहायता लेते हैं और ब्लूप्रिंट की सहायता में सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। विषयवार शिक्षा के उद्देश्य की एक तालिका बना ली जाती है और उसके बाद पाठ्यक्रम के सामग्री को उसमें रेखांकित किया जाता है। फिर उसमें दो तरफा चार्ट तैयार कर लिया जाता है और दो तरफा चार्ट तैयार करके एक तरफ हम शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें जानकारी, जिसमें कौशल, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, ये सारी चीज़ों की एक तरफ के चार्ट में रखते हैं और दूसरे तरफ के चार्टों में प्रश्नों के प्रकार और उनको दिए जाने वाले वेटेज होते हैं। इस प्रकार से हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करके और तब हम प्रश्न, तो पहला चरण है एक तरह से ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। जी, ऐसे परीक्षणों के लिए अनिवार्य है कि पहले हम ब्लूप्रिंट तैयार करें ताकि हम एक संतुलित प्रकार के प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकें और उसके मुख्य बच्चों के विकास में मुख्य जो हिस्से होते हैं उसकी जाँच कर सकें शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप। उसके बाद निर्णय लेने का मूल्यांकन करना और इसका मूल्यांकन कैसे करना है इसकी चर्चा करते हैं। उसमें मूल्यांकन करने के लिए क्या करें, अभी तक बहुत से शिक्षकों को नतीजतन ही बिना किसी पैटर्न का
ये काम करना पड़ता रहता करना पड़ता था। इस बात पर गंभीरता से अब विचार कर हम मूल्यांकन करने की बात करते हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर। मतलब जहां ये कह सकते हैं कि ये ऐसे परीक्षणों को मानकीकृत करते हुए करते हुए और तब हम उसका उपयोग सुनिश्चित जी जी जी। विशेष रूप से शिक्षकों ने विद्यार्थियों को ऐसे तरीके से वितरण करने के लिए परीक्षण किया है जो किसी तरह के छात्रों द्वारा प्रदर्शित किए गए शैक्षणिक प्रदर्शनों के स्तर के समान होते हैं। जो छात्र शिक्षक के परीक्षा में अच्छी तरह से स्कोर करते हैं उन्हें अच्छे ग्रेड दिए जाते हैं, कम स्कोर करने वाले छात्रों को सम अन्य प्रकार का ग्रेड मिलता है। परंपरागत रूप से छात्रों को ग्रेड तक पहुंचाने की आवश्यकता मुख्य विद्यार्थियों को आकलन करने वाले शिक्षकों के द्वारा प्रेरणा मिलती है जी। निर्णय आधारित मूल्यांकन, शिक्षक अपने छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परीक्षण का उपयोग करते हैं। शिक्षक आम तौर पर अपने छात्र के राज्यों के बारे में स्कोर आधारित आधार बनाते हैं जो कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य के संबंध में परीक्षणों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर शिक्षक तो निर्णय लेते हैं, कभी कभी निर्णय सरल होते हैं और कभी कभी फैसले ज़्यादा कठिन होते हैं। जैसे कि यूनिट परीक्षा के अंत में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर एक अनुदेशात्मक इकाई को कैसे संशोधित किया जाए। मान लीजिए कि जब हम निर्णय लेते हैं कि अपने कक्षा आकलन में हम क्या मापने जा रहे हैं जी जी, अब कार्य इस बात की ओर मुड़ता है कि हम इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। हम यह निर्णय लेने पर विचार करने के लिए कई विकल्प पर विचार करेंगे और यह प्रश्न कैसे मूल्यांकन करें, अधिक विशेष रूप से हम निम्नलिखित विकल्पों से निपटने की कोशिश करेंगे। चाहे एक आदर्श संदर्भित या एक को अपनाना चाहें, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन दृष्टिकोण हो, क्या चयन प्रतिक्रिया का निर्माण प्रतिक्रिया मूल्यांकन योजनाओं पर बल देना है, या तो चयन प्रतिक्रिया या निर्माण प्रतिक्रिया के मूल्यांकन योजनाओं पर बल देना है, बहुविकल्प लघु उत्तर या प्रदर्शन परीक्षण के रूप में विकल्पों का चयन करने के लिए किस तरह की वस्तुओं का प्रकार है, हम इन चीज़ों पर बल देते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। मूल बात इसमें यह है कि जब हम प्रश्न बनाने के लिए परीक्षण करने के लिए जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उद्देश्य पहले समझ लें कि हमें क्या करना है, किस तरह किस अप्रोच से हमको प्रश्न बनाने हैं। या तो हम स्टैंडर्डाइज्ड तरीका अपनाएं या हम अपने उपयोग के हिसाब से प्रश्न पत्र का निर्माण, मतलब हम जो जानना चाहते हैं कि अधिगम हुआ या नहीं और किस स्तर तक अधिगम हुआ जी, तो उसके लिए ऐसे परीक्षण बनाने के लिए हम दोनों रूपों का उपयोग कर सकते हैं। मानकीकृत भी हो सकता है, मानकीकृत भी हो सकता है और हम अपनी सुविधा के हिसाब से भी बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि प्रश्नों का चयन हम क्या करें। प्रश्नों के चयन भी हम अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रदर्शन इत्यादि, किस तरह के प्रश्न की आवश्यकता है उसमें जानने के लिए, उद्देश्य सीखने की क्रिया को पता लगाने के लिए उस हिसाब से हम इसका चयन करते हैं। मानक आधारित कक्षा मूल्यांकन, दरअसल दो प्रकार के शैक्षिक मानकों को आपके बारे में जानने की ज़रूरत है। एक सामग्री मानक ज्ञान या कौशल का वर्णन करता है जो कि शिक्षकों को छात्र सिखाना चाहते हैं, और एक निष्पादन मानक प्रवीणता के वांछित स्तर को पहचानता है जिसमें शिक्षकों को एक सामग्री मानक महारत हासिल है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम ऊपर के दोनों मानकों के रूप में जो उल्लेख करते हैं वे बहुत ही अलग अलग हैं। विचारों का मूल्यांकन करने के लिए हमें कई कारकों पर गौर करना है जो कक्षा के शिक्षकों को यह तय करने में सहायता कर सकते हैं कि उन्हें कक्षा मूल्यांकन प्रक्रियाओं में क्या मापना चाहिए। उन बिंदुओं की चर्चा से किस से मूल्यांकन प्रश्न को संबोधित करने के साथ
संभावित तरीकों को प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह निर्णय विकल्पों पर सभी छात्र मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के लक्ष्य की एक छोटी संख्या यह निर्धारित करने के लिए उपयोगी फ्रेम प्रदान कर सकती है कि क्या मूल्यांकन करना चाहिए, विश्लेषण क्या संज्ञानात्मक, उत्तेजित या मनोचिकित्सक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह उपयोगी साबित हो सकता है जी। ये इस तरह से हम समझते हैं कि इकाई परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता क्या है, क्यों है इसकी आवश्यकता और क्यों इसे होनी चाहिए और इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि इसकी बड़ी आवश्यकता है यह जानने के लिए कि हमारी प्रगति कैसी चल रही है, पढ़ाने में, शिक्षण कार्य में हमारी कैसी प्रगति चल रही है, बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए हम तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। दरअसल यह परीक्षण कुछ नहीं, प्रश्नों का एक समूह होता है जी। लेकिन इसमें दोनों ही तरीके हैं, हम इन्हें अपनी उपयोगिता के आधार पर पूछ सकते हैं और हम इन्हें मानकीकृत प्रश्नों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षक के रूप में जिन प्रश्नों का हम निर्माण करते हैं, उन प्रश्नों को का मानकीकृत हम भी कर सकते हैं। और मानकीकृत करने के कुछ चरण हैं, कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर हम प्रश्नों का मानकीकृत करते हैं। तो मानकीकृत करने के लिए हम प्रश्नों की एक लंबी फहरिस्त बना लेते हैं और फहरिस्त बना करके अपने उद्देश्य के हिसाब से हर प्रश्न एक उद्देश्य की प्राप्ति करता है और एक या एक से अधिक उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो प्रश्न को हम अपने उद्देश्य के हिसाब से प्रश्न का निर्माण करते हैं और प्रश्नों में भी कई वैरायटी, कई प्रकार हम रखते हैं, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मैचिंग होता है, ट्रू फॉल्स होता है, कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कई तरह के प्रश्न हम रखते हैं और रखना भी चाहिए। और इसके बाद अब कई विशेषज्ञों के की नज़र से इसे गुजारते हुए फिर इसको एक बार फाइन ट्यून करते हैं, इसको एक बार इसमें इसका परिमार्जन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि प्रश्न में द्वियर्थी कोई बात नहीं हो, प्रश्न के शब्द कठिन ना हो, बच्चों के स्तर के प्रश्न हो, कोई भावनात्मक चीज़ें नहीं हो, ये सारी चीज़ें हम प्रश्न बनाते समय ध्यान में रखते हैं। विषय के शब्द इस्तेमाल हुए हो, प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो और इन सब शब्दों का इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जब हम प्रश्न का निर्माण करते हैं और फिर विशेषज्ञों की नज़र से उसे गुजारते हैं तो प्रश्न के अंदर ताकत आ जाती है, प्रश्न चुस्त और दुरुस्त बन जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको और इसका मानकीकृत करें, तो सामान्य तरीका जो मानकीकृत का है कि हम इसे बच्चों के बीच में हम उसको चलाते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बच्चों के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं और बच्चों के द्वारा दिए गए अंकों को हम फिर मूल्यांकन करके अंकों की एक लिस्ट बनाते हैं और ऊपर से एक तिहाई जो सबसे ज़्यादा अंक लेने वाले एक तिहाई बच्चों को ऊपर से हटा देते और एक तिहाई बच्चे जो सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं उन प्रश्न पत्रों में उसको हटा देते हैं और बीच वाले प्रश्नों को हम लेते हैं और वे प्रश्न हमारे उनकी रिलायबिलिटी और उनकी वैलिडिटी, जो विश्वसनीयता है ऐसे प्रश्नों की, वो बहुत अच्छी होती है और वह प्रश्न फिर हमारे लिए एक मानकीकृत प्रश्न के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके पीछे कुछ गणितीय प्रक्रिया भी की जाती है वह सब करने के बाद, लेकिन मोटे तौर पर इस रूप में हम प्रश्न को मानकीकृत करते हैं
और ये हमारा इकाई परीक्षण और शिक्षक मेड टीचर मेड परीक्षण जिसको हम कहते हैं, शिक्षक द्वारा बनाया हुआ परीक्षण टेस्ट इस प्रकार का होता है। और इसका उपयोग दोनों ही तरह के की परीक्षाओं में, एक तो जो हम समेटिव इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं, जो साल के अंत में या 6 महीने पे या 3 महीने पे करते हैं, और दूसरा जो हम दैनिक रूप में बच्चों की पहचान करते हैं, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं प्रतिदिन प्रति वर्ग, उसमें भी इनका कुछ हद तक हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, प्लेसमेंट इत्यादि कई पास फेल रिकॉर्डिंग कई मामलों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इकाई परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण यह मूल्यांकन बहुत ही शिक्षण अधिगम के साथ साथ इसकी बहुत आवश्यकता होती है। और शिक्षण अधिगम की योजना बनाते समय ही मूल्यांकन परीक्षण की योजना भी बन जानी चाहिए, योजना बन जानी चाहिए। और इस तरह से एक काफ़ी प्रभावी शिक्षण अधिगम की व्यवस्था में एक प्रभावी परीक्षण की योजना भी होती है। आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुभाष चंद्र राय ने विस्तार से हमें इकाई व उपलब्धि परीक्षण, जो शिक्षक निर्मित परीक्षण है, उनके बारे में बताया। विशेषकर इन्हें बनाते हुए इनके विकास में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से ये मानकीकृत होंगे, विश्वसनीय परीक्षण होंगे, और इनकी उपयोगिता क्या क्या हो सकती है, इसे आज हम सब ने जाना। हम आप सब की ओर से इस जानकारी के लिए आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आप सभी शिक्षार्थियों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।